सातवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया कि गोरखपुर और बांसगांव संसदीय क्षेत्र का नामांकन प्रक्रिया चालू हो गई है। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। आज नामांकन का पहला दिन है। नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल शाम 3 बजे तक चलेगी। जो भी प्रत्याशी हैं वह नामांकन पर्चा ले जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 19 मई को भीषण गर्मी पड़ सकती है। मतदाताओं के लिए प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है। मतदाता अपने वाहन से मतदान स्थल से 200 मीटर की दूरी तक आ सकते हैं। इसके लिए पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए हैं, 6 लोग यहाँ हम लोग पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। तुरंत आपको फुटेज वीडियो बस हाँ, लेकिन जगह छोटा है ना, ये सर लेकिन मिल नहीं है। सर सिर्फ कैमरा पर्सन ही आएंगे, रिपोर्टर नहीं आएंगे। कितने लोग का आप लोग, आप लोग भी बात करके आपस में तय करो कितने लोग आओगे। यही साइड में कर लिया जाएगा, क्योंकि सर लास्ट में पड़ रहा है चुनाव, पूरे लोग निगाह यहीं पे। आज गोरखपुर और बांसगांव संसदीय क्षेत्र का नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। सवेरे 11 बजे से प्रक्रिया चालू होगा, शाम को 3 बजे तक चलेगा। आज तो पहला दिन है नामांकन का। ये हम लोग 29 तारीख तक नामांकन का चलेगा। 29 तारीख शाम को 3 बजे तक नामांकन का वक्त है। जो भी कैंडिडेट अभी तो नामांकन पर्ची अभी सुबह से 4-5 लोग ले गए, और लोग भी ले जा रहे हैं, उन लोग आकर के 3 बजे तक का जमा कर सकते हैं। हम लोग स्क्रूटनी करके जो भी उनका कमियां है दूर करके उनको बता देंगे। उसके अलावा उनका कितने खर्चा करना है, उसका लेखा जोखा का कैसे जमा करना है, उसको भी एक बुकलेट देते हैं। और आदर्श आचार संहिता को भी कैसे पालन करना है, उससे क्या क्या नियम है, शर्तें, सारे चीज़ हम बता देंगे। जो किसी दिन नॉमिनेशन का आएंगे उसी दिन ही बता देंगे। उसके बाद किसी दिन जो कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, जो वो सबको बुला करके हम लोग पूरा ब्रीफ कर देते हैं। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में देखे होंगे, वैसे इलेक्शन कमीशन का आदर्श आचार संहिता का जो मानक है उसी के हिसाब से 100 मीटर दूरी से हम लोग जो कैंडिडेट का गाड़ी को रोक देंगे। उसके बाद कैंडिडेट और कैंडिडेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग आ सकते हैं, यानी कैंडिडेट मिलते हुए 5 लोग इस कमरा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अपने नामांकन कर सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं। उसको जो दल वाइज, यानी जो मान लीजिए रेगनाइज नेशनल पार्टीज़ है, वो स्टेट पार्टीज़ है, उसके केवल प्रस्तावक, एक प्रस्तावक पर्याप्त होता है। और उसके अलावा यदि मान लीजिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उन्हीं लोगों के लिए तो 10 प्रस्तावक का ज़रूरत पड़ता है। उसको भी डिटेल हम लोग कल एक राजनीतिक दल के साथ एक मीटिंग में पूरा डिटेल में बता दिए। खासतौर पर जो वोटर के लिए मैं आपके मीडिया के जरिए से अपील करना चाहता हूँ, खासतौर पर जो 19 में भीषण गर्मी का मौसम है उसी का हम लोग ध्यान रखते हुए इस बार तो अलग व्यवस्था कर रखा है। खासतौर पर जो बूथ वाइज जो भी अपने साधन ले आने चाहते हैं उसको स्वागत है। अपने स्वयं के साधन और अपने परिवार सहित जो भी साधन में आने चाहते हैं तो कृपया करके आ सकते हैं। उसको पार्किंग के भी हम यथासंभव कोशिश करके पार्किंग को भी सुविधा देंगे। 200 मीटर के अंदर वो गाड़ी अलाउड नहीं है, 200 मीटर के बाहर तक अपने साधन को खड़ा करके अंदर आकर के वोट दे करके आराम से जा सकते हैं। हम पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है ताकि किसी की वजह किसी को नहीं रोकना है, ताकि इस भीषण गर्मी में किसी व्यक्ति का पैदल ज़्यादा दूर जाना आना बहुत कठिन काम होता है। साथ साथ दिव्यांग मतदाता का इस बार पहले बार गोरखपुर में 3,870 बूथ हैं हमारा। हर बूथ में हम लोग व्हीलचेयर का सुविधा दे रहे हैं, 2 वॉलंटियर रहेंगे। इसमें केवल दिव्यांग नहीं है कि बुजुर्ग वोटर जो भी हो और असमर्थ वोटर है, मान लीजिए किसी का चोट लग गया है, एक्सीडेंट है, जो भी है, उनको भी व्हीलचेयर के जरिए से अपने घर से भी ले आकर के जो वोट पोलिंग बूथ तक का उसका व्हीलचेयर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दिव्यांग वोटर कोई लोग चाहते हैं जो अलग साधन के लिए, गाड़ी के लिए किसी दूर से मजरा से लाना है, तो उसी का भी हम लोग पूरा व्यवस्था कर रखे हैं। उसके अलावा 3 से ज़्यादा बूथ कहाँ कहाँ बन रही है वहाँ जो हम लोग मॉडल बूथ के जरिए से हम लोग सजा रहे हैं, ताकि उसी दिन तो भीषण गर्मी की वजह धूप का असर पड़ेगा और छाया का व्यवस्था कम होगा, इसलिए हम लोग पंडाल लगवा रहे हैं ज़्यादातर, पंडाल टेंटे जो भी चीज़ है उसको व्यवस्था करा करके, ताकि जो हमारा वोटर कोई धूप में खड़ा ना हो जाए, उसी के लिए हम लोग स्पेशल व्यवस्था ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। और वहाँ तो ठंडा पानी की भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। उसके अलावा आदर्श बूथ के रूप से जो कितने सजा
सजावट करा सकते हैं उसी हिसाब से हम करा रहे हैं। हमारा मीडिया के जरिए से जो यहाँ का वोटर का अपील है, कृपया करके, ये तो राष्ट्रीय पर्व है हम लोग का, गर्व होना चाहिए था वोटर होने के लिए। 19 मई को ज़रूर आप घर से बाहर निकालिए। इलेक्शन कमीशन ने इसलिए पहले एक घंटा बढ़ा दिए और शाम को एक घंटा और बढ़ा करके चुनाव का समय इसको विस्तार कर दिए। सुबह आपको 7 बजे से पोलिंग का अवसर मिलेगा, आप 7 बजे सुबह सवेरे आकर के वोट दे सकते हैं। यदि विलम्ब होता है तो शाम को 6 बजे तक आप आराम से बूथ तक आकर के जो आप वोट दे सकते हैं। यदि 6 बजे तक कोई भी लाइन में आ गए, हम लोग उनका कितने भी देर होता उनका ज़रूर वोट पड़वा करके उन लोग का घर वापस कर देंगे और शांतिपूर्वक मतदान होगा। उसी हिसाब से हम लोग का भरपूर फोर्स मिला है और इस समय में पूरा व्यवस्था जो इलेक्शन कमीशन का मानक है उसको पूरा करते हुए हम लोग करा रखा है। हम लोग का इलेक्शन जो वोटर का दृष्टिगत इस बार तो हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि खासतौर पर गोरखपुर में वोटर परसेंटेज का थोड़ा कम रहा हमेशा, खासतौर पर जो शहरी इलाका में 50% से 60% के बीच में ही रहा है। इस बार हम लोग का स्पेशल प्रयास होगा इसको वोटर परसेंटेज का कैसे बढ़ाएं, उसी के हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका मीडिया साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ, कृपया करके सारे वोटर को बाहर निकालें, ये राष्ट्रीय पर्व हम लोग सब मिलकर मनाएंगे।